कर्फ्यू के चलते अचानक गांव में पशु के चारे की कमी होने लगी है। ग्रामवासियों को तुड़ी नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है तो उसके दाम बेहद ज्यादा है, जिसकी खबर पशुपालन विभाग को लगी। सोलन पशुपालन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। सोलन और आसपास के गांवों में तुड़ी की कोई कमी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने उचित कदम उठाए हैं और तुड़ी लाने वाले लोगों को अवश्य अनुमतियां प्रदान की हैं, जिसके चलते अब लोगों को भी किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पशुपालन विभाग के अधिकारी अशोक सैनी ने बताया कि प्रारंभिक समय में तुड़ी की आपूर्ति में कमी थी, क्योंकि ज्यादातर तुड़ी पंजाब से आती है और लॉकडाउन के चलते ज्यादा गाड़ियां हिमाचल में ही नहीं आ रही थी, जिसके चलते मांग ज्यादा बढ़ गई थी और दाम भी ज्यादा हो गए थे। लेकिन अब जिला प्रशासन ने तुड़ी लाने के लिए अनुमति दे दी है और पशुपालन विभाग तुड़ी लाने वालों को भी परमिट दे रहा है, जिसके चलते अब लोग बाहरी राज्यों से तुड़ी मंगवा रहे हैं। तुड़ी की आपूर्ति अब सामान्य हो गई है, जिसके चलते अब दाम भी गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि यही नहीं, अब सोलन के चारों सब डिविजनों में अधिकारियों को परमिट देने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया है और अब उन्हें इसके लिए कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अब वे व्हाट्सएप के माध्यम से भी परमिट प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा विभाग को पशुओं के चारे हेतु जो तुड़ी के परमिट देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत पशुपालन विभाग जिस जिला सोलन में जितने भी पशुपालक हैं उन सबको तुड़ी के परमिट दे रहा है, जिससे कि लोग पिंजौर और कालका से तुड़ी ला रहे हैं। अभी तक विभाग द्वारा लगभग 90 परमिट किसानों को पशुपालकों को प्रदान किए गए हैं तथा 3600 क्विंटल से अधिक की तुड़ी जिला सोलन में पहुंच चुकी है और ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शुरू में जब ये लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस टाइम तुड़ी के रेट महंगे थे क्योंकि तुड़ी पंजाब से ही आ रही थी सारी। और अब जैसे पशुपालकों द्वारा सूचित किया गया है, बताया गया है, तुड़ी के रेट कम हो गए हैं और जिससे कि उनको कल और आज में लगभग 750 रुपये के आसपास तुड़ी कालका में पिंजौर में प्राप्त हो रही है और एक किसानों के लिए निश्चित तौर पे ये राहत की खबर। शासन के दिशा निर्देश अनुसार जो पशुपालन विभाग को तुड़ी के परमिट इशू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसके लिए हमने लोगों की, पशुपालकों की, किसानों की सहूलियत के लिए हमारे चार सब डिवीजन हैं जहाँ पे वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, उन सभी को हमने अधिकृत कर दिया गया है कि वो परमिट इशू कर सकें। उसके लिए किसानों को एक एप्लीकेशन लिखकर कहाँ तूड़ी कहाँ से लानी है और अपना आधार कार्ड सहित उनके व्हाट्सएप नंबर पे एप्लीकेशन भेजनी है और परमिट उनको व्हाट्सएप पे ही बन के वापिस प्राप्त हो जाए। और इसमें परमिट में लिखा जाता है कि ये परमिट सिर्फ तूड़ी लाने के लिए ही इशू किया गया है और किसी चीज़ इस परमिट के बेस पे कोई भी दूसरी चीज़ नहीं ला सकते हैं। हाँ, जैसे अपने सोलन के लिए डॉक्टर उपेंद्र भारद्वाज, जिनका मोबाइल नंबर है 9418127244, रिपीट करता हूँ 9418127244, और कंडाघाट में है डॉक्टर विजय पाठक, उनका मोबाइल नंबर है 9418451065। तो उस पर अगर ऐसे ही एक नालागढ़ में डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर करकरा और अर्की में डॉक्टर जोगिंदर वर्मा, उनके मोबाइल नंबर्स पे जो भी किसान परमिट लेना चाहते हैं वो उनसे कांटेक्ट कर लें और उनको व्हाट्सएप पे ही वापस परमिट बनके मिल जाएंगे।